द लल्लन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। कभी कन्नौज पर कब्जे के लिए बड़े बड़े राजा लड़ते थे, फिर देश आजाद हुआ, सैकड़ों बरस बाद की बात है, और कन्नौज पर कब्जे के लिए नेता लड़ने लगे। कन्नौज जहाँ से कभी राम मनोहर लोहिया तो कभी मुलायम सिंह यादव सांसद रहे। अभी कन्नौज क्यों खबरों में है? क्योंकि 2019 में डिंपल यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और भाजपा के कैंडिडेट सुब्रत पाठक के बीच करीबी मुकाबला हुआ और सुब्रत पाठक ने जीत दर्ज की। लेकिन सुब्रत पाठक अब गलत खबरों से चर्चा में है। इल्ज़ाम है कि सांसद ने अपने समर्थकों के साथ कन्नौज सदर के तहसीलदार, जो दलित समुदाय से आते हैं, उनके साथ मारपीट की। किसने ये इल्ज़ाम लगाए? खुद तहसीलदार अरविंद कुमार ने। उन्होंने पुलिस में FIR दर्ज की। इन इल्ज़ामों में क्या कहा अरविंद ने? कि सांसद सुब्रत पाठक ने उन्हें 7 अप्रैल की दोपहर 12:53 पर फ़ोन किया, खुद की भेजी गई सूची वाले लोगों को राहत सामग्री देने का दबाव बनाया, जाति सूचक गालियां दी, मारने की धमकी दी। इस घटना के बाद तहसीलदार अपने आवास पर गए तो वहां सांसद समेत उनके 20-25 समर्थक आ गए, उनको लाठी डंडों से पीटा, गालियां दी। साथ ही कर्मचारी रामवरण लेखपाल और अमित राय को भी पीटा। इस घटना में तहसीलदार घायल हो गए, जिससे उनके निर्देशन में चल रहा कोरोना के मद्देनज़र राहत सामग्री बांटने का काम भी अटक गया। इस FIR में सांसद सुब्रत पाठक और उनके सहयोगी सचिन शर्मा, सौरभ कटियार, शिवेंद्र सिंह नामजद हैं और 20-25 अज्ञात लोगों का जिक्र है। SC ST एक्ट समेत 10 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। हमने इस मामले में कन्नौज के DM राकेश मिश्र से बात की तो उन्होंने लल्लन टॉप को क्या बताया? सांसद और तहसीलदार के बीच फ़ोन पर गर्मागर्मी हुई थी, जिसके बाद तहसीलदार ने SDM को इसकी जानकारी दी थी। फिर तहसीलदार अपने घर चले गए, जहां सांसद पर मारपीट का इल्ज़ाम है। मामले में तहसीलदार की तरफ से FIR दर्ज करवाई गई है, उनको चोटें आई हैं, जांच करवाई जा रही है और उसके बाद कार्रवाई होगी। राशन बांटने में लापरवाही की बात से DM ने इनकार किया। फिर हमने इस मामले में जिन पर इल्ज़ाम लग रहे हैं, BJP के सांसद सुब्रत पाठक, उनसे बात की तो सुब्रत ने इसके उलट कहानी सुनाई। उनका क्या दावा है? कि कोरोना लॉकडाउन में लोगों की मदद के लिए हम रोजाना 2-3 हज़ार लंच पैकेट बनवाते हैं, इन्हें हम प्रशासन को देते हैं, कार्यकर्ता खुद बांटेंगे तो नियमों का उल्लंघन होगा, प्रशासन इनको बांटने का काम अपने तंत्र के द्वारा करता है, शहर में ये काम सदर तहसीलदार के पास है, पिछले 6 दिनों से वो रोज लंच पैकेट लेकर जाते, लेकिन हम जिनके नाम लिस्ट में लिख कर देते उन्हें वो सामान नहीं मिल रहा था। सरकारी राशन न बंटने की शिकायत भी आई थी सांसद के पास और उन्होंने ज़रूरतमंदों की लिस्ट भिजवाई, लेकिन तहसीलदार ने सुनवाई नहीं की। बकौल सुब्रत पाठक, 17 अप्रैल की दोपहर को उन्होंने तहसीलदार से फ़ोन पर पूछा कि गड़बड़ी क्यों हो रही है, तो वो जवाब देने के बजाय अभद्र ढंग से बात करने लगे, बहस करने लगे। सांसद ने बात खत्म की, तय किया कि मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत करेंगे। फिर उन्होंने काम न रुके इसलिए अपने ऑफिस से 2-3 लोगों को तहसीलदार से बात करने और सूचियाँ पहुँचाने के लिए ऑफिस जाने को कहा। बकौल सुब्रत पाठक, वहाँ तहसीलदार 60-70 लेखपालों के साथ जमा थे, उन्होंने सांसद के लड़कों पर हमला किया, समर्थकों पर, एक लड़के का सर फूटा है, 8 टांके लगे हैं, मेडिकल हो गया है। सुब्रत पाठक का कहना है कि उनकी तरफ से भी मुकदमा लिखवाया जा रहा है और सबसे बड़ा दावा जो उनकी तरफ से वो ये कि मैं तहसीलदार के घर पर नहीं गया था। कन्नौज का मामला है, प्रदेश में सियासत भी तेज़ हो गई है। समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा है कि इनके ऊपर NSA लगाया जाए। UP कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि कन्नौज मामले में सूबे का कानून काम नहीं कर रहा है, BJP के नेताओं की गुंडागर्दी चल रही है, यानी कि बहुत सारे इल्ज़ाम लग रहे हैं। अब देखना है कि इस मामले में कोर्ट क्या फैसला लेता है, क्योंकि दोनों तरफ से FIR हो गई है। प्रशासन से जुड़े लोगों का कहना है कि सांसद ने दबंगई दिखाई है, सांसद के समर्थकों का कहना है कि उनको जबरन घेरा जा रहा है ताकि वो जवाबदेही तय न करें। दोनों तरफ के दावे, दोनों तरफ के अपने पक्ष, मामला कोर्ट में निपटेगा, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की हनक सूबे में खबर तो बनती ही है। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप।